फ्रेंड्स, आज हमारा डे वन है मॉर्निंग का और हम सब जो है एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग और दूसरी जो भी एक्टिविटीज है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अर्शद। तो बेटा ये तो टेंट हाउस अपने नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। जंगल में जाने वाले हम लोग है ना जेडी सर? या बहुत मेहनत का काम है अभी जेडी सर, हाइडिंग अप टू जंगल है ना। बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, खाने से ज्यादा मेहनत का काम है। खाने में बहुत मेहनत लगती है। इफ यू आर चूसी, आप चूसी हो तो खाने में भी बहुत मेहनत लगती है। रुके, ये लोग टेंट में भी हम कैंपिंग करवा दें। ये टेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे ग्रुप्स रुकते हैं। और ये देखो जंगल फॉरेस्ट एरिया, पूरी टीम आगे जाती हुई और रॉक क्लाइंबिंग के लिए ये अंदर टेंट। रोड काफी टफ है, लुक डाउनवर्ड एज, बिल्कुल जंगल के बीच में। एंड दोज हु आर टेकिंग फोटोज मेक श्योर दे आर आल्सो लुकिंग ऑन द ग्राउंड। आशुतोष सर बिल्कुल प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं भैया। सब लोग ध्यान से चलेंगे, ओके प्लीज। बातों में नहीं लगना है, शौर्यन नीचे भी देखना है। इट्स ऑल कवर्ड विद द नेचर एंड इन अ लाइन। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट डे। सबसे पहले यही फूटेगा, इसको बैग में डालो, बैग में डालो, किसके पास बैग है तो। ये ना ना बैग में डालो इसे। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट डे। चलो एडवेंचर साइड पे पहुंचने के बाद आपसे बात करते हैं, बाय। यस मूव स्लोली। रास्ता देखो, इट्स रियली टफ टास्क टू गो फ्रॉम दिस प्लेस। एडवेंचर साइट पास में ही है, आर्टिफिशियल्स आपने देखी होगी, मगर रास्ता देखो, एक गलती नीचे। यस बॉयज, हेलो तने, बेटा चलने में ध्यान रखो, उसको बैग में रख लो। सी दिस प्लेस, what is this? This is home. हम लोग अलग अलग एरियाज में चल रहे हैं। सबसे आगे एक टीचर है, फिर बीच में, फिर इंस्ट्रक्टर है और लास्ट में मैं पुश करता हुआ जा रहा हूँ सभी को। ओह माय गॉड, सी दिस प्लेस, ग्रेट नेचुरल व्यू, ग्रेट। हमारे होटल्स वो वहाँ पे जहाँ स्टे कर रहे हैं। चलो लेट्स मूव टूअर एडवेंचर साइट। देखो एरिया, वो हमारे एडवेंचर एक्टिव ट्रेनर्स, टीचर्स और सामने भी ट्रेनर्स हैं। और वो सामने जो सर दिख रहे हैं वहाँ कई दूर, वो वॉल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे करने वाले हैं। टोटल नेचुरल। सर इट्स रियली टफ टास्क, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एज आवर ट्रेनर्स आर देयर। सर आप भी बंद कर दो, ठीक है। और बेटर ये है मैं साइट उतर जाऊं उसके बाद ही रिकॉर्ड करूं, बिकॉज वी आर आल्सो हैवी वेट्स। वो सामने जो वॉल दिख रही है जहाँ पे दो सर खड़े हैं, वहाँ पे हम रॉक क्लाइंबिंग करेंगे। ये सारे हमारे बच्चे, यस, पैर दबा के। इंस्ट्रक्टर इज टेलिंग अस अब नीचे बैठ के धीरे धीरे उतरे। साइड से दबाओ, हाँ। जेडी सर इज ट्राइंग फर्स्ट। ये हमारे इंस्ट्रक्टर है जो रॉक क्लाइंबिंग में, आदि चौहान। ब्रेक लगा, रास्ता बहुत खड़ा है और हैवी वेट्स वालों के लिए प्रॉब्लम है। जैसे जेडी सर के लिए वैसे ही सेम मेरे लिए भी होगी, बट इंस्ट्रक्टर इज हेल्पिंग, बट नेग्लिजेंस विल बी रियली नीचे डेंजरस। यहाँ से डायरेक्ट नीचे, कॉन्फिडेंस आल्सो, हाँ, नो मैटर द हेल्दी और फिट, हाँ, क्वेश्चन नहीं फॉर एवरीबॉडी। आशुतोष सर उतर रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा, लेट्स सी।
तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत कठिन रास्ता तय करके ये जितने भी खिलाड़ी है आ चुके उस प्लेस पे जहाँ में इनकी रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटी होने वाली है। सब कर लोगे सारे के सारे? तो देखो ये वाला रॉक है जो इनको चढ़ना है। दो इंस्ट्रक्टर ऊपर खड़े हैं, यहाँ से एक एक करके ये लोग रस्सियों से चढ़ेंगे और रॉक क्लाइंबिंग करेंगे। मॉल्स में आर्टिफिशियल होती है, ये प्योर नेचुरल है। बहुत टफ टास्क होने वाला है। सर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कैसे करना है। ओके गाइस अब ध्यान से सुनना आपने, ठीक है? बातें बंद कर लो 5 मिनट के लिए। ओके यहाँ पे आपकी दो एक्टिविटी होगी, एक है रैपलिंग और दूसरा रॉक क्लाइंबिंग। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, रॉक क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर जाओगे टॉप तक, ठीक है? वहां से आप रैपलिंग करते हुए दूसरा जो रोप दिखा, दो रोप लगे हैं वहां पे, एक है रॉक क्लाइंबिंग के लिए, दूसरा है रैपलिंग के लिए, ठीक है? तो जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या क्या गहर यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या आप यूज करने वाले हैं रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग में, आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में आप कोई भी कैंप में जाओ या कहीं पे भी आप जा रहे हो, स्कूल में अगर आप गए हो आपको पूछेंगे कि आपने क्या। अब ये सर जो इंस्ट्रक्शन देने के बाद डेमो करके बता रहे हैं, भैया ध्यान से देखना सब लोग डेमो। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके बोलना है, जैसे आपको दिख रही है ये रोप लूज है। और जो है वो रैपलिंग का डेमो दे रहे हैं ऊपर से, ऊपर से हमको बता रहे हैं कि भैया कैसे नीचे आना है। हाँ वो सर आ रहे हैं ऊपर से जो इंस्ट्रक्टर हमने हायर किया है, वो रैपलिंग क्लिक करते हैं आ रहे हैं। नीचे कैसे उतरना है वापस? लुक एवरीवन, सारे लोग ऊपर देखो। ओके नाउ लुक, सब देखो ऊपर, देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले देखो आपकी बॉडी शेप कैसी होनी चाहिए, देखो ऊपर। कहाँ से आया? रेडी सर, वी पीपल आर गोइंग टू ट्राई दिस ना? या तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक यस यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, रॉक क्लाइंबिंग डू इट। आज एहसास होगा, ज्यादा नहीं है, आज एहसास होगा चिकन बटर पिज्जा और छोले भटूरे कुलचे जो फोड़े हैं आलू पराठे इन लोगों ने पनीर है ना, वो कितना दुख देते हैं आज पता चलेगा। बटर तो अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग सब रॉक क्लाइंबिंग के लिए लगे हुए हैं, हमारे 5 स्टूडेंट तैयार। सबसे पहले आशुतोष सर आगे गए एक बार और देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। तगड़ा वाला, बहुत सारे डरे सहमे हुए हैं, बहुत से इनमें से जो नहीं करना चाहते, बहुत सारे एक्साइटेड है जो करना चाहते हैं। सर आप करोगे क्या? और ये वादियाँ, ये वैली, ये खूबसूरत नेचर, और यहाँ पर आशुतोष सर सबसे पहले जो है वो क्लाइम कर रहे हैं। आशुतोष सर इज ट्राइंग, और उसके बाद आ रहा है दर्श शर्मा, फिर दक्ष विजयवर्गी, फिर मितांश आने वाला है, फिर अथर्व आएगा, और फिर अर्पित, अर्पित के बाद नौशेद, नौशेद के बाद संजय दिराज, और ये हमारे आशुतोष सर। जगह कम है, देखो बिल्कुल एक गलती और नीचे हम वो रास्ता क्लियर करके आए, वो पूरा रास्ता क्लियर करके। आशुतोष सर पूरी मेहनत लगाते हुए, आशुतोष सर यू डू इट, टफ टास्क। आशुतोष सर पूरी कोशिश करते हुए, नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग वाकई में बहुत टफ है, मॉल्स में तो हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, यहाँ पे हमें असली चुनौती का सामना करना पड़ता है। आशुतोष सर पूरा दिमाग लगाते हैं, आशुतोष सर यू विल डू इट ना? यस आशुतोष सर पूरी मेहनत कर, ये आशुतोष सर लगभग हाफ ऑफ द जर्नी इज डन। आशुतोष सर, आशुतोष सर पूरी मेहनत करते हुए, अरे आशुतोष सर केवल 25%। यस मौसम बहुत शानदार हो चुका है, देखो सामने बादल नीचे की तरफ, ये देखो क्या मौसम, क्या हवाएं चल रही है। और आशुतोष सर लगभग पहुंच गए 20% और बचा है आशुतोष सर का, सर छूट जाए तो आशुतोष सर का 25% और बचा है। पूरी पूरी कोशिश करते हुए आशुतोष सर,
फाइनली आई गेस आशुतोष सर कर ही लेंगे अब, आशुतोष सर कर ही लेंगे, कर लिया कुछ स्टेप्स और आशुतोष सर वेरी गुड, आशुतोष सर दर्शन मा बेस्ट ऑफ लक, दक्ष जोड़गी बेस्ट ऑफ लक, इट्स नॉट दैट मच टिपिकल बट रिस्की, इट्स नॉट एट ऑल रिस्की सर, यू आर इक्विप्ड विद ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट्स, यू आर हैविंग फोर ट्रेनर्स फोर गाइड्स विद यू, फाइनली आशुतोष सर विंस द मैच, तो आशुतोष सर विंस द मैच, आस्क योर फ्रेंड्स टू डू इट दिस, एंड सॉरी आशुतोष सर आई डोंट नो फ्रेंच बट स्टिल बोंजो 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 बिच्चू दैट्स ऑल व्हाट आई नो, यस ये आशुतोष सर डन इट, आशुतोष सर ने कर लिया, तालियां बजाओ आशुतोष सर के लिए, सब लोग तालियां बजाओ, क्लैप फॉर आशुतोष सर, हिप 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 हिप, कितने लोग डरे हुए हैं यहाँ पर, यस कोई बात नहीं वी विल डू इट, हम सब लोग करने वाले हैं, इट्स नॉट दैट मच टफ टास्क, देखो आशुतोष सर ने कर लिया, एवरीवन इज एक्साइटेड, ओके ओके अब रैपलिंग होगी, देखते हैं कितनी देर में, दर्शन शर्मा कर रहा है, दर्शन शर्मा हाफ ऑफ दी पूरा कर चुका, वेरी गुड दर्शन शर्मा वेरी गुड, बहुत बढ़िया दर्श, ओके बिले टाइट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है दर्श, आसमानों की ऊंचाइयों में ओके बहुत बढ़िया, दर्श भी पहुंच गया, आशुतोष सर रिप्लिंग करते हुए बहुत बढ़िया रैपलिंग कर रहे हैं, आशुतोष बैक आ गए हैं, आशुतोष बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशुतोष सर, और फाइनली आशुतोष सर ने दोनों चीजें सक्सेसफुली कर ली, वेरी गुड आशुतोष सर वेरी गुड, बोथ द थिंग्स यू हैव डन वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया, वेल डन आशुतोष सर, क्लैप भैया आशुतोष सर के लिए, बहुत बढ़िया क्लैप क्लैप क्लैप, अब मेरा टर्न है रॉक क्लाइंबिंग करने का, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी क्योंकि जो कैमरा है वो मेरे रिस्ट पे मैंने बांधा था, और कैमरा मेरे रिस्ट पे लगाया था, रिस्ट कैमरा था मेरे पास, और मोबाइल से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, रिस्ट कैमरा से लगा रहा था, और मुझे दोनों रस्सियों को भी संभालना था, और ये भी ध्यान रखना था कि कैमरे को कुछ ना हो, तो बहुत रिस्की मुझे लग रहा था, और थोड़ा वेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा जो डेडिकेशन था कि मुझे करना ही है, समहाउ आई ट्राइड माई बेस्ट और मैंने कर लिया रॉक क्लाइंबिंग, जब मैं ये पहाड़ तो पूरा चढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट टास्क था मेरे लिए कि मैं जैसे तैसे वापस इसको नीचे उतरूँ, रोपलिंग के दरी का जो प्रोसेस था उसके जो, ऑल दो ऊपर जो थे वो कोचेस वगैरह भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी मुझे गाइड किया, और आप देखो रिकॉर्डिंग शायद थोड़ी इधर उधर हो रही होगी क्योंकि कैमरा जो है मेरे रिस्ट में लगा हुआ है, तो विथ कैमरा मैंने इसको ट्राई किया और मैंने सक्सेसफुली इसको कर भी लिया, एटमॉस्फेयर बहुत कूल था, पहाड़ से घिरे हुए थे, पूरी की पूरी एक बंदा जब ऊपर चढ़ता है तो रोप्स के ऊपर ही होता है, वो पूरा अपना 100% लगाने की कोशिश करता है, और मैं अपनी कोशिश करता जा रहा था, अब इस वक्त जो ये कैमरा जो था मेरे रिस्ट में उससे मैं रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आई, इसीलिए मैं अभी वॉइस ओवर दे के आपको बता रहा हूँ, अभी कैमरा जो है मेरे रिस्ट में लगा हुआ है एंड समहाउ आई एम ट्राइंग टू डू इट, और आप देखना जब बंदा सोच लेता है तो वो कर लेता है, एक पॉइंट पे आके जाके मैं रुक गया था, मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, बट अगेन आई ट्राइड के नहीं होगा, और मैंने फाइनली ये जो पॉइंट है इस जगह मैं आके सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट यहाँ से फिर मैंने वापस सोचा कि नहीं मुझे करना है, एंड समहाउ आई डिड इट,
अब ये वाला जो शॉट है इसमें मैं उस पहाड़ को जो चढ़ा मैंने रॉक क्लाइंबिंग से उससे मैं वापस नीचे की तरफ उतरूँगा। अभी वो मेरे बेल्ट्स वगैरह बांध रहे हैं, प्रोटेक्शन गार्ड्स बांध रहे हैं और मैं वो प्रोटेक्शन गार्ड्स लेके वापस नीचे उतरूँगा बेल्ट और रस्सी के मदद से। ऊपर से मुझे गाइड कर रहे थे, अब इसको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कैमरा क्योंकि मैं उतर रहा था, तो उतरते वक्त क्या थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था तो कुछ शॉट्स सही नहीं आएंगे। बट हाँ, ये जो एक्सपीरियंस था बहुत तगड़ा था। आप इस वीडियो को देखो पूरे को और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया। अब मैं नीचे जो है वो उस पहाड़ को जिसको मैंने अभी ऊपर चढ़ा था उससे मैं वापस उतरूँगा। जो आशुतोष सर ने जो एक्टिविटी की थी चढ़ने की और वापस आने की रिटर्न, ये वही वाली एक्टिविटी है। फाइनली मैं जो है वो रोप क्लाइंबिंग की थी और उसके बाद रिपलिंग करते हुए वापस नीचे आ गया था। तो फ्रेंड्स, आपको और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इस उत्तराखंड ट्रिप की। अभी के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियोस अभी बाकी है। अभी तो डे वन की एक्टिविटीज़ हमने करके बताई है, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। Oh, oh, oh.